वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जी हमारे पास मुख्तलिफ लोग, तो मतलब लाइक मुख्तलिफ जनरेशन के लोग कह सकते हैं, कभी नए आए हैं, हम लोग पुराने हैं, पुराने इन द सेंस ज्यादा पुराने नहीं हैं, हम लोग बहुत छोटी छोटी उम्र में आ गए थे। सही कह रहे थे। हाँ, लेकिन ये तीनों जो हैं ये हमारे मुकाबले में नए हैं कि अभी कितने साल हुए तुम्हें आए? अहमद जब नींद नहीं पूरी हो तो ऐसा होता है। 6-7 साल हो गए। 6-7 तो ये आप ही की बात है। नहीं सॉरी, अहमद एंड रजा। अहमद एंड रजा। और तुम्हें कितने हुए साल? मुझे 2.5-3 साल हो गए। आप तो बचपन से इधर हैं। 1.5 साल हो गए मगर काम पर। तो फिर हम लोगों को तो काफी साल हो गए ना, उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि आज एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं मजेदार, जिसमें हम एक दूसरे से अपने खजाने शेयर कर रहे हैं, वो खजाने जो हमसे कोई चुरा ही नहीं सकता। और अब जिसके खजाने की बारी है वो कौन है? अहमद। देखते हैं भाई लड़के जो होते हैं वो कौन सी यादें बसाए रखते हैं अपने दिमाग में। आइए चल के देखते हैं। तो अहमद जेब का जरा संदूक लेकर आए। बंदा कौन निकला? बंटी। बंटी को कोई कपड़े ही पहना देते हिसाब से। मैं बार बार यही बोलती हूँ। चले भाई, चले भाई। अहमद मास्क लगाया हुआ, सारी जिन लगती है। पहले मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूं कि आपके प्रोड्यूसर जब मुझे बोला था कि ये चीजें लानी है, तो खजाने तो नहीं मुझे मिले इस तरह से, लेकिन जो चीज नजर आई मैं उठा के ले आया, जिसके साथ थोड़ी सी भी मेमोरी मौजे वौजे भी है मतलब। नहीं, तभी मैंने कहा एक्सक्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले है जी ये एक अफ्रीकी बच्चा। ओए, ये बचपन से मेरे दादा के बाथरूम में था और ये तब से मेरे कमरे में पड़ा हुआ है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि दादा की जो भी चीज होती थी मैं उठा के वापस अपने कमरे में ले आता था। तो ये पता नहीं क्यों मुझे अटैचमेंट है इसके साथ, तो मैं ये उठा के ले आता। अच्छा, फिर एक मेरा दोस्त है, इज अ फैशन डिजाइनर। अच्छा। तकरीबन 10 साल पहले उसने अपनी एक पहली टी शर्ट बनाई थी, उसने मुझे दी थी। तो जस्ट रिसेंटली मैंने उसको बोला कि मुझे ये टी शर्ट मिली है, बिकॉज वी वर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस। अच्छा। तो जब मैंने बैग खोला तो उसके अंदर ये टी शर्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने उसकी पिक्चर भेजी कि दिस इज वेयर ही स्टार्टेड एंड नाउ इज अ वेरी फेमस। अब मशहूर कौन है भाई, वो दिखाएं। एसएन रिजवी नाम है उनका। हाँ। वो ग्रेविटी के साथ काम करते हैं आज, और ये उनका पहला प्रोजेक्ट था। और आप साइज देख लें कितना छोटा है ये। मतलब कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इतना छोटा होता था एक टाइम पे। मेरी मेमोरी अटैच्ड इसलिए इसके साथ क्योंकि दिस वाज हिज फर्स्ट शर्ट और उसने मुझे दी थी। बेस्ट बडी है, मेरा बेस्ट बडी है। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि आज वो जस्ट पॉइंट तक आ चुका है। तो बड़ा हम्बलिंग होता है टू सी के दिस इज वेयर ही स्टार्टेड। तो आई थॉट आप फिट आती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक आती हूँ? नहीं, मुश्किल से यहाँ तक आती होगी। ये एक पिक्चर है मेरे बचपन की। I have no idea कि मेरे साथ ये दोस्त मेरा कौन खड़ा है। अच्छा, एक में हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये हैं आप कि ये हैं? ये कोर्ट में मैं हूँ। ये कोर्ट में ये? नहीं, मुझे तो अभी आपका बचपन लग रहा है। ये देखे जरा दिखाएं, ये हैं ये। तो मेरी मेमोरी ये है कि मेरा ये दोस्त बिछड़ गया मेरे से, मुझे नहीं याद ये कौन है। तो अगर आप अभी टीवी देख रहे हैं, अगर आप टीवी देख रहे हैं और आपको पता है ये कौन है, तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करें, मुझे बताओ कौन है, कॉल करें, मुझे बताओ ये बंदा कौन है। गुमशुदा यार, एक मिनट स्टिल रखो। ये भी सही है, प्लीज अगर आप देख रहे हैं इस लड़के को ढूंढे, इस लड़के को ढूंढे और बताएं कौन है ये मेरा दोस्त। ढूंढने वाले को 40 लाख रुपए। शायद की अम्मी, शायद के अबू, चाचा देख रहे हो शो तो पहचान। नो आईडिया कौन है। जरा क्लोज बनाएं इस लड़के का। जी, जो भी इस बच्चे को देख रहा है वो जो इसे ढूंढ के लाएगा उसे 40 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। ये अभी आने से पहले मैंने रिबन काटा था अपनी अम्मी के सालोन से, because I wanted to mention कि उनका एक सालोन है लाहौर में। I want everyone to visit it. थोड़ी shameless marketing भी होनी चाहिए यहाँ पे। So defense phase 6 में है, Maison de Argonne के नाम से। मुझे पता होता तो मैं अपने husband के restaurant का एक टिक्का ले आती। अच्छा, ये एक मेरा iPhone था जो मेरे भांजे ने, मैं 4th फ्लोर पे रहता था एक बिल्डिंग में, और वो बालकनी पे लेके यूं करके खड़ा हुआ था
और मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं अपार्टमेंट में एंटर होऊंगा, उसको बोलूंगा नहीं रखो नीचे, नीचे रखो, तो उसने यूं करके छोड़ दिया और ये फोर्थ फ्लोर से गिर के इसका ये हाल हुआ. तो आई थॉट दिस इज अ वेरी गुड मेमोरी, मेरे भांजे की ये मेमोरी है. और वो कितना बड़ा था? कितना बड़ा था? 2 साल का था शायद. ओह माय गॉड, उसने कहा रोक के रखा. हां रोक के पकड़ के यूं करके खड़ा हुआ था. मामू आने दो, आएंगे उनके सामने. और फिर मामू ने देखा है, मामू ने बोला नहीं, फिर उसने हंसा थोड़ा सा और उसने फिर छोड़ दिया. तो इट्स अ वेरी स्वीट मेमोरी ऑफ हिम. सो स्वीट. अब माशाल्लाह वो मेरे से भी लंबा हो गया, बड़ा. दिखाते हैं ये देखो तुमने क्या किया. ये देखो, आई वॉन्ट अ न्यू फोन. मेरा एक और नेफ्यू है मुर्तजा, ही इज आवर स्टार फुटबॉल प्लेयर. उसकी पहली मेडल था, उसको गोल्ड मेडल मिला था. ही स्कोर्ड 4 गोल्स इन अ मैच. ही प्लेज एज अ स्ट्राइकर. उसने 4 गोल स्कोर किए थे और 6-0 से जीते थे वो लोग. तो आई विल ऑलवेज चेरिश दिस मेमोरी. फारूक, ये आपने लेके रखी है? ये मैंने अपने कमरे में रखा हुआ है. वेरी प्राउड ऑफ माय नेफ्यू. ये देखो जरा, जबरदस्त. पता है वाकई ये दूसरों की भी चीजें याद होती है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. देखो खुद जब कुछ ना अचीव किया हो ना तो आप दूसरों की चीजें पकड़ लेते हैं. अच्छा ये एक पिक्चर है जिसमें मैं कुछ ज्यादा ही फैशनेबल लग रहा हूँ. ये मेरे टीनेज इयर्स की है. हम साउथ अफ्रीका में थे. These are my two sisters and my father. Oh my God! I don't know why my mother is not in this picture, लेकिन अच्छा आप इतने fashionable लग रहे हैं कि पहचाने नहीं जा रहे आप. है ना? बिल्कुल different आदमी लग रहा हूँ मैं. मतलब like वो वाकई. मतलब ये मेरा I think वो. ये आपके अब्बू हैं? ब्राव नहीं होते जो. अब्बू हैं आपके? ये मेरे अब्बू. बड़े handsome हैं भाई. आपके अब्बू भी, आपकी बहनें भी बहुत प्यारी हैं. माशाल्लाह. That is Munize. अच्छा ये दिखाएं ना please. हाँ जर picture पे जाएं. आमने. And that's Munize and that's my father, Brigadier Jahanzeb. Meri ammi nahi hai isme, but ammi ke saath hi kahin le aaya. I think ammi ne hi picture li hogi. Ammi salon mein abhi acha. I have a question. Yes, please. Ye picture South Africa ki hai. Yeah. Aur isme vardi kyun pehni hui hai? So mere father defense attache the. Oh. He was in the military. Unki last posting was as a defense attache in South Africa. Achha. So, bada achha time guzra tha. Achhi jagah hai South Africa. Kitne saal rahe aap log? Hum the 2003 se leke 2006 tak. Okay. And bahut zabardast. Safari kaisi hai wahan ki? Zabardast. Zabardast. Kruger National Park is probably the most famous one. Achha. Aur usme aap ek jeep mein baithte hain. Which is open. अच्छा. फिर साथ lions and buffaloes and elephants और सारे. कभी आप गए, आप पे हमला तो नहीं हुआ? नहीं हमला तो नहीं होता, लेकिन मुझे डर लगता था. एक बंदा होता है जो जीप के आगे बैठता है. हाँ, हाँ. जो आपका गार्ड होता है. हाँ. वो गन लेके, लेकिन वो सबसे एक्सपोज्ड होता है. अच्छा. तो मुझे अपने लिए नहीं, उसके लिए ज्यादा डर लगता. हाँ, हाँ, हाँ. बट लकीली ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं. मुझे तो टेंशन होती है खुली कोई एकदम भूखा शेर जंप कर दे तो. भाई मैं रह चुका हूँ साउथ अफ्रीका में, तो मैं हर जिसको भी मिलता हूँ जो वेकेशन पे जा रहा होता है तो. हाँ. मैं उनको जरूर रेकमेंड करता हूँ कि अगर चांस मिले तो डू गो टू साउथ अफ्रीका. अच्छा. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव एवर बीन. गर्मी बहुत होती है यार. सदर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे जब ठंड है वहाँ पे गर्मी है. ओके, उल्टा चल. उल्टा है, बट इतनी एक्सट्रीम नहीं होती. इट्स वेरी बेयरेबल. ओके. लेकिन वहां से एक और चीज आई थी. अब ये मेरी एक मेमोरी नहीं है इसके साथ, बट आई थॉट इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग. ये एक ये क्या है? ये एक एस्ट्रे है. अच्छा, लेकिन बकरे के पैर, उसके हूफ का उन्होंने एक एस्ट्रे बना दिया. कितनी जबरदस्त चीज है ये. तो आई फील लाइक दिस वाज वेरी I don't know, very interesting. ये जब हमारे पाए होते, पाए बनाए ना आप, ये कर दे. हाँ, अगर आपने पाए बनाने हैं तो you can always. अच्छा, ये एश्ट्रे है. हाँ जी. ये एश्ट्रे है और ये बकरे के पाए लग रहे हैं मुझे. बकरे के ही है ना? ये actually उसका है, एंटीलोप का. अच्छा, एंटीलोप का हूफ है ये. चलो हमें नहीं मिलेगी एंटीलोप तो हम बकरा ले लेंगे. बकरे के पाए. एक और चीज, आखिरी चीज है, ये एक $500 चिप जो मेरी बहन ने मुझे, पोकर चिप. हाँ, ये एक अमेरिकन फिल्म थी राउंडर्स के नाम से. उसका मेमोरेबिलिया है. मैट डेमन स्टार्ड इन इट. तो ये वो पोकर सेट है जो उस फिल्म में यूज हुआ था. तो माय सिस्टर बॉट इट एट एन ऑक्शन एंड शी गेव इट टू मी. तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि लड़के अपनी चीजें दिखा रहे हैं. लड़के कहाँ संभाल के रखते हैं? मतलब आप तो इस लड़के ने सब कुछ संभाल, इस लड़के ने संभाल के रखा है. गुड है भाई. जबरदस्त जबरदस्त. दैट इज माय संदूक. ये संदूक, आप जितना सामान, आपको इजाजत थी लाने की. मेरे बैग में फिट आ सकता था. फिट आ सकता था उतना ही लेकर आए. और कितना सामान पड़ा है? बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज हुई थी कि लाहौर एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा जरा बैग खोलें, हमने देखना है कि ये क्या शय है. पूछा ये आप क्या लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो और ये है क्या? मैं उनको समझा भी नहीं सका सही. हाँ. से मैं उनको बोलूं कि ये वो एंटीलोप का पाऊं है तो मुझे यूं देख रहा है कि यार. हाँ. आप ठीक है, आपका दिमाग ठीक है.
हमारे शो के लिए, हाँ स्पेशली इस शो के लिए. इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं साथ ला नहीं सका, देयर टू बिग. पुराने रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं मेरे दादा के, ग्रामोफोन्स वगैरह, और वो पुरानी टेप के, पुराने कैमरास, एंड वो चीजें जो 60s 50s की चीजें थी वो अभी घर पे पड़ी हुई हैं. सिंस हमने घर मूव किए हैं तो वो सारी चीजें खुली हैं, और बड़े नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग होती है. आप मेमोरी लेन रिविजिट करते हैं और आपको बड़ी फॉन्ड मेमोरीज आती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की और उस टाइम की जब यू नो वी वर ऑल You know, जब वो हमारे साथ थे. बिल्कुल, हम सब छोटे छोटे होते हैं और सब जमा होते हैं एक घर में, सारे कजन्स और ये वो, बड़े मजे की मेमोरीज और सबकी होती हैं, है ना. तो बड़ा मजा, जुम्मा बाजार होता है, सारे बच्चे सबके सारे बच्चों के बच्चे जमा हुए हैं घर में, एक शोर हो रहा है शोर. अच्छा, माशाल्लाह मेरी अम्मी की साइड से देयर सिक्स सिस्टर्स एंड टू ब्रदर्स. अच्छा, तो वी आर ऑलमोस्ट 40 कजन्स. ओए होए होए. तो जिस तरह आपने कहा ना कि जुमा बाजार होता है, तो नानों का घर तो लिटरली हर एज ग्रुप के आपको ग्रुप्स नजर आते थे. छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सारे बस दे वर अनलिमिटेड कजन्स. और आज भी वी आर ऑल वेरी क्लोज. पाकिस्तान की पसंदीदा एयरलाइन PIA है और अब हर टिकट पर PIA दे रहा है आपको गोल्ड सेविंग का मौका. हमारी तरह आप भी PIA को अपने सफर के लिए मुंतखब करें और पाकिस्तान के कौमी इदारों को मुस्तहकम बनाएं. आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.